भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, यूपी के बलिया जनपद के रसराड़ा में भारतीय सुहेलदेव पार्टी यानी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि हमारी पार्टी हमेशा जाति के गणना में के पक्षधर में रही है। 36% के साथ लालू जी नीतीश जी ने धोखा किया है, यही हाल यहाँ पर भी है। अखिलेश जी, मायावती जी 19 साल शासन किए उत्तर प्रदेश पर, कांग्रेस ने भी लंबा समय तक शासन किया यूपी में, लेकिन इन लोगों ने पिछड़ों के साथ धोखा किया। जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनके साथ धोखा किया है। बीजेपी के खिलाफ सपा बसपा कांग्रेस के लोग बीजेपी के खिलाफ लगातार भय दिखा के, डर दिखा के, मुसलमानों में नफरत पैदा करके और सरकार में जाने का प्रयास करते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो जातिगत जनगणना का आंकड़ा आया है सामने, उससे तो बिहार के जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल दोनों पार्टियों के छलावे वाले नारा सामाजिक न्याय की बात गलत साबित हो रही है। 36% का जो आंकड़ा सामने आया है अति पिछड़े और पिछड़े का, इसको देखते हुए 8 बार के माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, लालू जी मुख्यमंत्री रहे, श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहीं, तो इस 36% के साथ सामाजिक न्याय इन्होंने कभी किया ही नहीं। और दूसरा, वहाँ पर राजभर, रजवाड़ा, राजवंशी 5 जातियाँ हैं जो 29 जिलों में रहती है और इनका आंकड़ा परसेंटेज में नहीं है और इस जाति का हम नाम भी नहीं जानते हैं। जो जाति का परसेंटेज में आ गया है, ये जो 5 जातियों का आंकड़ा है, उसे आंकड़े से संतुष्टि नहीं मिली है। हम इस आंकड़े को 10 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में बिहार की राजनीति में एक रैली करके और इस परिवर्तन को करके दिखाएंगे। लालू जी, नीतीश जी धोखा किए, वही हाल यहाँ है। अखिलेश जी और मायावती जी 19 साल शासन किए, कांग्रेस लंबा शासन किया, इन लोगों ने अति पिछड़े दलित के साथ धोखा किया, जो वंचित शोषित लोग हैं उनके साथ धोखा किया है। ये लोग सिर्फ बीजेपी के खिलाफ सपा बसपा कांग्रेस के लोग बीजेपी का भय दिखा करके मुसलमानों में नफरत पैदा करते हैं और सत्ता सरकार में जाने का प्रयास करते रहे हैं। किसी को न्याय, सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां इनके साथ अन्याय की है। कि जो जातिवार जनगणना का जो आंकड़ा आया है, उससे तो बिहार के जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल दोनों पार्टियों के जो छलावे वाले नारा सामाजिक न्याय की बात, 36% जो आंकड़ा आया है कि अति पिछड़े लोग हैं, 8 बार माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री, माननीय लालू जी मुख्यमंत्री, श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री, इस 36% के साथ सामाजिक न्याय कभी इन्होंने किया नहीं किया। और दूसरा जो मामला है कि वहाँ भौर, राजभर, रजवार, राजवंशी, राजधो, ये 5 जातियाँ हैं, 29 जिले में रहती हैं, इनका आंकड़ा परसेंटेज में नहीं है। जिस जाति का नाम नहीं जानते हम, उस जाति का परसेंटेज में उठा गया है। तो ये जो 5 जातियों का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े से हम संतुष्ट नहीं है। उस आंकड़े को हम 10 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करके दिखाएंगे कि जो आपका जाति आंकड़ा आया है, वो इन जातियों के साथ खिलवाड़ है, इन जातियों के साथ धोखा है। और 36% अति पिछड़ों के साथ जो लंबे समय से नीतीश जी और लालू जी धोखा दे रहे हैं, उसका भी खुलासा बिहार में होगा 10 को। यूपी न्यूज 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।